प्रधानमंत्री के बारे में हम देखते हैं, प्रधानमंत्री देश का क्या क्या काम करता है, किस तरीके की उसके पास पावर होती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां हैं प्रधानमंत्री में ही होती हैं। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति हम किस तरीके से करते हैं? संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। हालांकि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्ति के लिए स्वतंत्र है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है, परंतु यदि लोकसभा में कोई दल स्पष्ट बहुमत में न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी व्यक्तिगत विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है और उससे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। राष्ट्रपति द्वारा इस विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग प्रथम बार 1979 में किया गया था। तब तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम सजीवन रेड्डी थे। नीलम सजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी के सरकार के पतन के कारण चरण सिंह गठबंधन के नेता थे, चरण सिंह उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था। एक स्थिति और भी है जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है, जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए अथवा उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो। ऐसा तब हुआ था जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को अनदेखा किया था। तो यहाँ पर राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्ति कर जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को अनदेखा कर दिया था। बाद में कांग्रेस संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुन लिया। हालांकि किसी निर्वर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु पर यदि सत्ताधारी दल का एक नेता चुनता है तो राष्ट्रपति के पास उसे प्रधानमंत्री नियुक्ति करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता है। सन 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान में यह आवश्यक नहीं कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए और तब एक यथोचित समय सीमा के भीतर उसे लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे चरण सिंह है 1979 में, वीपी सिंह 1989 में किया था ऐसा, चंद्रशेखर 1990, पीवी नरसिम्हा राव 1991 में, अटल बिहारी वाजपेयी ने 1996 में किया, एचबी देवगौड़ा है 1996 में किया है, आईके गुजरायल है 1997 में, पुनः अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में, इसी प्रकार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। 1997 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया कि एक व्यक्ति जो कि किसी सदन का सदस्य न हो 6 माह के भीतर प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है और इस समय अवधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बना रहेगा। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी देवगौड़ा 1996, मनमोहन सिंह 2004 और 2009 में राज्यसभा के सदस्य थे, और दूसरी ओर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना ही चाहिए। ब्रिटेन के अंदर निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा में से किसी का भी सदस्य प्रधानमंत्री हो सकता है। शपथ और पदावधि के वेतन किस तरीके से दिए गए हैं? प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हुए प्रधानमंत्री कहता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण रखूंगा, मैं श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतरण से अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, मैं भय या पक्षपात या अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। प्रधानमंत्री गोपनीयता की शपथ के रूप में कहता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को
तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को अपने पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने से उसे अपने पद से त्याग पत्र देना होगा, अथवा त्याग पत्र न देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। प्रधानमंत्री के वेतन व भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते के प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त वह व्यय विषयक भत्ते, मुफ्त आवास, यात्रा भत्ते, स्वास्थ्य सुविधाएं आदि प्राप्त करता है। सन 2001 में संसद ने उनके व्यय विषयक भत्तों को 1500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह कर दिया। प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां क्या हैं? प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों में जो मंत्रिपरिषद के संबंध में कार्य है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियां निम्नलिखित हैं। पहली है, वह मंत्री नियुक्ति करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। वह मंत्रियों के विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उसमें फेरबदल करता है। वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके निर्णय को प्रभावित करता है। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों के नियंत्रित निर्देशित करता है और उनमें समन्वय रखता है। वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है या अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर किसी अन्य मंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र देने पर रिक्तता उत्पन्न होती है जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र है। राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं? वह राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधायक विशेषज्ञ प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति के सुनिश्चित करते हैं। संघ के कार्यकलाप की प्रशासन संबंधी और विधान परिषद या विधान विषयक जो प्रस्तावनाओं है या प्रस्तावनाओं के संबंधी जो भी जानकारी है राष्ट्रपति मांगे तो वह दे देता है। किसी भी विषय को जिस प्रकार या जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रख सकता है। वह राष्ट्रपति के विभिन्न अधिकारियों जैसे कि भारत के महान्यायवादी, भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों के चुनाव, वित्त आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों के चुनाव, अन्य नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। संसद के संबंध में प्रधानमंत्री निचले सदन का सदनेता होता है। इस संबंध में वह निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त करता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने यानी बुलाने के लिए या सत्रावसान करने के संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने के लिए सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। वह सर्वपटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। अन्य शक्तियों का कार्य क्या है? अन्य शक्ति और कार्य हम देखें, उपरोक्त तीन भूमिकाओं के अतिरिक्त प्रधानमंत्री की अन्य भूमिकाएं हैं। वह योजना आयोग जो कि वर्तमान में नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्य परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप में देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्राप्त करता है। वह सत्ताधारी दल का नेता होता है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा कि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह प्रधानमंत्री है न कि राष्ट्रपति।
भूमि का वर्णन किया गया है यहाँ पर। कई प्रसिद्ध राजनीति शास्त्रियों और संविधान विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री की भूमिका की, विशेष रूप से ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भूमिका के संदर्भ में उनकी व्याख्या की है। इन इनमें से प्रमुख इस प्रकार है, लॉर्ड माले ने क्या व्याख्या की है। उन्होंने प्रधानमंत्री का वर्णन समान के बीच प्रथम तथा कैबिनेट रूपी चाप के मुख्य प्रस्तर के रूप में किया है। वे कहते हैं कि कैबिनेट का प्रमुख समान समान लोगों के बीच श्रेष्ठ होता है। जो कैबिनेट का प्रमुख होता है समान लोगों के बीच श्रेष्ठ होता है। वह उस पद को धारित करता है जो काफी दायित्वपूर्ण होता है। वह देश का सबसे प्रमुख प्राधिकारी होता है। हवर्ट मैरिसन सरकार के मुखिया के रूप में वह सबसे प्रमुख है, हवर्ट मैरिसन। लेकिन आज उनके दायित्व में काफी परिवर्तन आया है। सर विलियम बर्नर हार्टकोर्ट, उन्होंने प्रधानमंत्री को तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी है। जेनिंग्स वह सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। वह संविधान का सबसे मुख्य आधार है। संविधान के सभी मार्ग प्रधानमंत्री की ओर जाते हैं। HJ लास्की, प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट के संबंध पर भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री उनके निर्माण का केंद्र बिंदु है, इसके जीवन का केंद्र बिंदु और उनकी मृत्यु का केंद्र बिंदु है। उन्होंने प्रधानमंत्री को ऐसी धुरी बताया है जिसमें इर्द गिर्द संपूर्ण सरकारी मशीनरी घूमती है। HRG ग्रेव्स, सरकार देश की प्रमुख है और वह प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। मुंडो ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए कहा है कि वह राज्य की नौका का कप्तान है। रैमजे म्योर ने कहा है कि वह राज्य के जहाज का मल्ला कहा है रैमजे म्योर ने। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण और अहम होती है कि देखने वाले उसे प्रधानमंत्री सरकार कहते हैं। इस प्रकार RH क्रॉसमैन कहते हैं कि युद्ध के पश्चात कैबिनेट सरकार प्रधानमंत्री सरकार में पूर्णतः परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार हम्फ्रे वर्फले कहते हैं कि संसदीय प्रायोगिक रूप से संप्रभु नहीं है, संसदीय लोकतंत्र अब ढह चुका है। ब्रिटिश व्यवस्था का प्रमुख दोष प्रधानमंत्री की सुपर मिनिस्टर शक्ति है। यही व्याख्या भारत के संदर्भ में भी सही है। राष्ट्रपति के संबंध में कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, जैसे कि संविधान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संबंध में कुछ उपबंध है, जैसे कि उपबंध 74 है। ये बताता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से उनकी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, राष्ट्रपति इस पुनर्विचार के बाद भी दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। अनुच्छेद 75 में दिया गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मंत्री राष्ट्रपतियों के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 78 के अंदर बताया गया है प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं, संघ के कार्यकलाप में प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावना संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करना चाहिए। संघ के कार्यकलाप में प्रशासन संबंधी या विधान विषयक प्रस्तावनाओं के संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे दे। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। वे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने हैं, कौन कौन से मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने हैं, 6 लोग, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने हैं, चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा, एचडी देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी। अपने राज्यों के मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मोरारजी देसाई हैं तत्कालीन मुंबई राज्य के 1952 से 56 की अवधि तक मुख्यमंत्री रहे और जो मार्च 1977 में देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। 1977 में चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश के 1967 से 1968 और पुनः 1970 में मुख्यमंत्री बने जो मोरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री बने हैं। बीपी सिंह उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री थे, बीपी सिंह जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार में प्रधानमंत्री बने हैं दिसंबर 1989 से 1990 तक। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता हैं और 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बाद में 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। HD देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं।
जिन्हें जून 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार का मुखिया बनाया गया। नरेंद्र मोदी भी भाजपा के मई 2014 में प्रधानमंत्री बनने तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2001 से 2014 तक 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ अनुच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 74 है, ये कहता है कि मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग या परामर्श देना अनुच्छेद 74 में बताया गया है। मंत्रिपरिषद संबंधित अन्य प्रावधान अनुच्छेद 75 में किए गए हैं। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन किया गया है। अनुच्छेद 78 के द्वारा प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति की सूचनाएं प्रदान करने के संबंध में कर्तव्य दिए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के निधन पर जब नेतृत्व का प्रश्न उठा तो राष्ट्रपति ने अस्थायी व्यवस्था की। उन्होंने वरिष्ठतम मंत्री जो तब तक प्रधानमंत्री बनाया जब तक कि पार्टी द्वारा औपचारिक रूप से नेता का चयन नहीं हुआ। 2 बार गुलजारीलाल नंदा ने बतौर प्रधानमंत्री का कार्य किया है। प्रधानमंत्री की गोपनीयता की पद की शपथ उसी तरह से ली जाती है जैसे कि केंद्रीय मंत्री के लिए ली जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे हम सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद किस तरीके से काम करती है।